News 18, India. सबसे बड़ी खबर, राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार की शुरुआत हो चुकी है। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एक समय पर स्कूली बच्चों ने सूर्य नमस्कार शुरू कर दिया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी सूर्य नमस्कार करने के लिए जयपुर के चौगान स्टेडियम पहुंचे। उस वक्त की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब शिक्षा मंत्री स्कूली बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार कर रहे थे। हालांकि ये मामला पहले ही हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में उस याचिका को खारिज कर दी गई जिसमें ये कहा गया था, ये मांगे रखी गई थी कि फिलहाल सूर्य नमस्कार पे रोक लगा दी जाए। ये फिलहाल उन तमाम बच्चों की अलग अलग स्कूलों की भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और पीछे उनकी स्कूली बच्चे हैं। विवाद बढ़ते ही जा रहा है। हालांकि इस बीच मदन दिलावर ने मीडिया को संबोधित करते ये भी बड़ी बातें कही कि जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम्स हैं उन्हें किसी बात पे कोई आपत्ति नहीं है। सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं कि सब ने मिलकर के सूर्य भगवान की आराधना की है, सूर्य नमस्कार किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है मुस्लिम बच्चे भी आए हैं सर यहाँ पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। मैंने पहले भी कहा था कि देश के सभी राष्ट्रभक्त लोग इसकी अच्छा ही मानते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, इस देश से अपना नाता रखते हैं, वो सब सूर्य नमस्कार के पात्र हैं। समाज संपूर्ण बच्चों ने भी क्या है अच्छा संपूर्ण यहाँ विरोध हो रहा है सूर्य नमस्कार का, इस पर क्या कहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान, भगवान जो विरोध कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड पर फैसला पड़ रहे हैं सीजेआई। 5 जजों की बेंच और उसमें 4 जजों की बेंच अपना फैसला इस वक्त सुना रहे हैं और उनकी तस्वीरें भी हम आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं। चुनावी बॉन्ड पर फैसला पड़ रहे हैं सीजेआई, तो चुनावी बॉन्ड को लेकर क्या फैसला आता है इस पर सभी की निगाहें हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप दर्शकों को हम बता रहे हैं, चुनावी बॉन्ड को लेकर आज की तारीख में मतलब आज फैसला आना था और वो फैसले की ही इस वक्त घड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से सीधे लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सीजेआई इस वक्त फैसला पढ़ रहे हैं। चुनावी बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो शुरुआती कमेंट है, टिप्पणी है, वो एक एक करके अब सामने आ रही है। बड़ी बातें कि उन्होंने क्या कहा है, अगर किसी पब्लिक को कुछ जानना है, पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने किस किस एंगल को किस तरीके से देखा है उस पे इस वक्त फैसला पढ़ा जा रहा है। 4 जजों की बेंच अपना फैसला इस वक्त सुना रहे हैं और ये फिलहाल तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीजेआई फैसले को इस वक्त पढ़ रहे हैं। क्या क्या कमेंट होता है, फैसला क्या होता है, इस पे क्या असर होता है आने वाले वक्त में, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से, चुनावी बॉन्ड को लेकर ये बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पे सबकी निगाहें हैं लेकिन एक एक करके हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये चुनावी बॉन्ड है क्या।